नमस्ते दोस्तों, दिस इज अमर सक्सेना एंड यू आर वॉचिंग सक्सेस इन्फिनिटी। सो गाइज, दिस इज द पार्ट टू ऑफ आवर वीडियो सीरीज बिट्स पिलानी वर्सेस बिट्स गोवा। आपने यार पार्ट वन देखा होगा हरीश के चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा सो आई वुड ऑल्सो गिव द लिंक ऑफ दैट वीडियो डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, सो जस्ट गो एंड चेक दैट आउट। काफी अच्छी वीडियो है, हमने काफी सारी चीजें कवर करी है रिलेटेड टू फेस्ट, रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, मेनी अदर थिंग्स। ओके, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो हमने उसमें कवर नहीं करी थी। आपने यार थंबनेल में देखा होगा कि हम लोग इस वीडियो में प्लेसमेंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। प्लेसमेंट्स के ऊपर बात होगी, रिसर्च कल्चर के ऊपर बात होगी, लोकेशन के ऊपर बात होगी, कोडिंग कल्चर के ऊपर बात हो। ओके, सो स्टे ट्यून टू दिस चैनल, स्टे ट्यून टू दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल कॉन्टेंट इन दिस वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार हरीश को थैंक्स बोलना चाहता हूँ फॉर कमिंग ऑन माई चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस कोलैबोरेशन। Hey guys, my name is Harish Atai Kumar. I'm a student at BITS Pilani Goa campus and I run a channel called Curious Harish. Do check it out. And thanks a lot, Ambuj, for this opportunity to come on your channel. It's an honor. So let's get started. ठीक है, तो यार सबसे पहले अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, सो पिलानी कैंपस में पहुंचने के लिए हमारे पास दो रास्ते होते हैं, वन इज थ्रू दिल्ली एंड अदर इज थ्रू जयपुर। तो चलो हम पहले एक बार दिल्ली की बात कर लेते हैं। सो एज सच पिलानी में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, सो हमें दो स्टेशन मिलते हैं, उसमें से आप कहीं पर भी जा सकते हो। वन इज लुहारू स्टेशन एंड अदर वन इज चढ़ावा स्टेशन। बट जो चढ़ावा का रेलवे स्टेशन है, दो जो ये जो दोनों है ऑलमोस्ट सिमिलर डिस्टेंस पर है, बट जो चढ़ावा का जो रेलवे स्टेशन है वहां पर बच्चे कम जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि जो ऑटो रिक्शाज वहां जाते हैं वो आने जाने दोनों का पैसा लेते हैं, क्योंकि आते टाइम वहां पे उनको सवारी नहीं मिल पाती। तो जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो लुहारू जाते हैं। लुहारू इज अराउंड 15-20 किलोमीटर्स फ्रॉम पिलानी कैंपस, आपको आधा घंटा या एक घंटा लगेगा एट मैक्स। लुहारू से आप ट्रेन पकड़ोगे दिल्ली जाने के लिए, इट वुड टेक यू 3 आवर्स टाइम। सबसे पहले रेवाड़ी स्टेशन आता है, उसके बाद गुड़गांव स्टेशन आता है। अगर किसी को एयरपोर्ट पे जाना है दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो आप गुड़गांव उतर सकते हैं, आप वहां से आपको काफी पास पड़ेगा। गुड़गांव के बाद आपका दिल्ली का पहला स्टेशन आता है दिल्ली कैंट। ठीक है, सो दिस इज द पाथ। तो आपको 3 घंटे लगेंगे पिलानी से, बेसिकली लुहारू से दिल्ली पहुंचने। अब अगर मैं आपको जयपुर की बात बताऊं, तो जयपुर के लिए देयर आर अ लॉट ऑफ बसेस, बहुत सारी बसें, मतलब आपको हर आधे घंटे में, आधा घंटा में मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, यू वुड गेट अ बस एवरी 15 मिनट्स। बट जो प्रीमियम बस सर्विस आप कह सकते हो, बेसिकली जो वॉल्वोज है, बेसिकली दे आर कम्प्लीटली एयर कंडीशन, आपको हर फैसिलिटीज मिलेंगी, वो 3 बसें चलती हैं पर डे एंड दे टेक अराउंड 4.5 आवर्स एट मैक्स। 5 घंटे लगते हैं, 5 घंटे से ज्यादा बिल्कुल नहीं लगते, वो भी वर्स्ट केस में जनरली आप 4-4.5 आवर्स में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो जयपुर और दिल्ली का कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप 3-4 घंटे में दिल्ली और जयपुर पहुंच सकते हो। अगर मैं कैंपस के आसपास के लोकेशन के बारे में बात करूं, तो पिलानी बीइंग अ विलेज, ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी घूमने की एज ऑब्वियस जैसा आपने सोचा होगा, बट कैंपस यार हमारा इतना बड़ा है, यू वुड सी दैट कैंपस इज रफली अराउंड 1000 एकर्स इन साइज। तो यार कैंपस के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, फूड आउटलेट्स ही नहीं, आपको पार्क्स वगैरह मिलेंगे, आपको घूमने की काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। और अगर किसी को मन होता है कि यार बोर हो गया कैंपस में रहते रहते, कहीं बाहर घूमने जाना है, तो जनरली स्टूडेंट्स दिल्ली चल जाते हैं या फिर जयपुर चल जाते हैं। जयपुर इज़ एन अमेजिंग प्लेस, तो काफ़ी सारी चीज़ें घूमने को मिल जाती हैं, तो जनरली स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि हम लोग जयपुर या दिल्ली में से ही कहीं चले जाएँ। The BITS Goa campus is 3 kilometers away from the airport, so transportation is not an issue at all. Taxi prices are pretty high क्योंकि Goa में Ola और Uber नहीं है, मतलब Goa में Ola और Uber आए थे and the taxi mafia of Goa just vandalized their offices, भगा दिया था उनको, तो फिर उसके वजह से Ola और Uber नहीं है and taxi is very expensive. जैसे मैं जब BITS Goa से airport जाता हूँ, so it's like 3 kilometers and they charge me 300 rupees. Which is insane. तो बस तो मतलब 10-20 रुपीज़ में काम हो जाता है, तो यू कैन ऑब्वियसली यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ टैक्सी इफ प्राइस इज अ कंसर्न। अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब लोग बहुत अच्छे हैं, लोकेशन कोंकणी लोग बहुत वेरी स्वीट, और मतलब इट्स अ टूरिस्ट प्लेस, बीच बहुत पास है, इज अ बीच कॉल बोगमालो, इट्स लाइक 4-5 kilometers अवे, और दैट्स द हैंग आउट स्पॉट फॉर ऑल बिट्सियंस। जब भी एग्जाम खत्म हो जाए, जब भी वीकेंड आए, सब बोगमालो जाते हैं एंड जस्ट रिलैक्स ओवर देयर। बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी है वहाँ पे एंड इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीचेस आई हैव एवर सीन। अगर मैं रिसर्च कल्चर की बात करूँ, तो यार पिलानी कैंपस में जो रिसर्च है वो काफी अच्छे लेवल पे होती है। पिलानी बीइंग द ओल्डेस्ट कैंपस ऑफ बिट्स, 1964 से यार एस्टैब्लिश्ड है। तो अगर मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री में लेके चलूं, सो देर आर 2 ब्रांचेस और यू कैन से 2 स्ट्रीम्स एट पिलानी कैंपस, जिसमें जो रिसर्च है बहुत भर भर के होती है
एक्सटेंसिव लेवल पे होती है. वन इज योर ट्रिपल ई डिपार्टमेंट विच इज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. इसमें यार काफी अच्छे लेवल पे रिसर्च होती है. सबसे ज्यादा लैब्स जो है ट्रिपल ई डिपार्टमेंट की ही है. एंड वन ऑफ द मेन रीजन कि ऐसा क्यों होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सीरी एट पिलानी कैंपस. अब आप पूछोगे यार सीरी क्या है. सो सीरी इज बेसिकली सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज अमंग्स द वेरी फ्यू इंस्टीट्यूट विच आर देयर ऑल ओवर इंडिया. एंड बिकॉज ऑफ दिस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट बिट्स पिलानी, ट्रिपल ई डिपार्टमेंट ऑफ पिलानी कैंपस यूज टू बी फ्यू ईयर्स बैक द मोस्ट और आई थिंक द सेकेंड मोस्ट रिसर्च बेस्ड ब्रांच इन द होल ऑफ एशिया. इस इंस्टीट्यूट के होने के कारण यहाँ से इतने पेटेंट्स निकलते थे, इतनी रिसर्च होती थी कॉन्फ्रेंसेज वगैरह में. यहाँ पे बेसिकली जो साइंटिस्ट काम करते हैं वो जाते थे, स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज मिलती थी. उसके कारण एशिया में फर्स्ट या फिर सेकंड नंबर पे इसकी रैंकिंग आती थी ट्रिपल ई डिपार्टमेंट की फ्यू ईयर्स बैक. अब तो जैसे धीरे धीरे हमारा कंप्यूटर साइंस का बूम आने लगा है, कंप्यूटर साइंस की जो लैब्स वगैरह हैं वो धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं और ट्रिपल ई से जो शिफ्ट है वो सीएस पे जाने लगा है. बट लैब्स की अगर मैं बात करूँ तो लैब्स आर अमेजिंग. सीएस में जो अभी नई लैब्स बनी हैं मतलब मैं बता नहीं सकता आपको इतनी अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी. बिल्कुल जो लेटेस्ट प्रोसेसर्स हैं i7 i9 सब आपको वो मिलेंगे. स्पीड अगर मैं इंटरनेट स्पीड की बात करूँ तो स्पीड काफ़ी अच्छी आती है. मतलब आप मान सकते हो वर्स्ट केस में 10 Mbps समथिंग रहती है इन दोज लैब्स इंटरनेट की स्पीड. बाकी ट्रिपल ई की बात करूँ तो देयर आर ऑयस्टर्स लैब, उसके अलावा जितनी भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड लैब्स चाहिए आपको सब मिल जाएंगी. मैकेनिकल के काफ़ी अच्छी लैब्स की फैसिलिटीज हैं. एक हमारी नई वर्कशॉप बनी है मैकेनिकल वालों के लिए जहाँ पे जो मेजॉरिटी टास्क है दोज आर गवर्न बाय प्रोग्रामिंग. तो बेसिकली अगर आपको कोई भी मैकेनिकल का काम करना है जो पहले मैनुअली होता था या फिर मैनुअली ऑपरेट करके होता था, नाउ यू कैन जस्ट कोड इट एंड देर इज अ मशीन कॉल्ड CNC मशीन. वो अपने आप उस कोड को समझ के वो टास्क कवर कर देगी. तो यार वो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज हैं. एंड यू वुड ऑल्सो फाइंड मशीन्स ऑफ वर्थ मोर देन 1 crore rupees जो कि स्टूडेंट्स से डायरेक्टली ऑपरेट नहीं कराते फर्स्ट सेकेंड ईयर में. बट सर्टनली अगर आप थर्ड फोर्थ ईयर में हो, एमटेक वगैरह में हो, तो यू वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन दोज मशीन्स. इसके अलावा यार 3D प्रिंटर्स वगैरह है. आई गेस देर आर 3 3D प्रिंटर्स. एक तो हमारी नई वाली वर्कशॉप में है, एक शायद पुरानी वर्कशॉप में है, एंड वन इज ऑल्सो इन द लाइब्रेरी आई गेस. परहैप्स मुझे लाइब्रेरी का पक्का नहीं, बट देर आर अराउंड 3 3D प्रिंटर्स ऑल्सो. तो रिसर्च के मामले में आई वुड से काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज है. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज वगैरह होती रहती हैं पिलानी कैंपस में, और सिर्फ इन दोनों ब्रांचेस की नहीं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज फॉर एग्जांपल कभी इसराइल के कोई प्रोफेसर्स आ रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी के, कभी जर्मनी के आ रहे हैं, कभी जापान के आ रहे हैं, कभी कोरिया के आ रहे हैं. आसपास की कंट्रीज के कुछ ना कुछ कॉन्फ्रेंसेज होती रहती हैं पर मंथ. आपको ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि पिलानी में कुछ ना कुछ नहीं हो रहा, हमेशा कुछ ना कुछ होता रहेगा. सो रिसर्च इज क्वाइट एक्सटेंसिव एंड यू वुड गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज देयर. तो रिसेंटली बिट्सको हैज अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ गुड प्रोफेसर्स. जैसे स्टैनफोर्ड से एक प्रोफेसर है, तो एंड मोस्ट ऑफ दीज प्रोफेसर्स हैव पब्लिश्ड पेपर्स, बहुत सारा एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ रिसर्च. तो व्हाट यू कैन डू इज इन योर सेकेंड ईयर देयर समथिंग कॉल्ड SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. यू कैन गो टू अ प्रोफेसर, अप्रोच हिम एंड उनसे पूछ सकते हो कि मुझे इस चीज में रिसर्च करना है, या फिर उनसे मांग भी सकते हो रिसर्च प्रोजेक्ट, और फिर यू गाइस कैन वर्क ऑन दैट. तो इस मैटर में प्रोफेसर्स आर वेरी लीनियंट. बहुत सारे प्रोफेसर्स आर रेडी टू कोलैबोरेट विद यू एंड वर्क ऑन यू विद ऑन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट. जैसे मेरे एक दोस्त ने NLP के एक प्रोजेक्ट पे वर्क किया था कंप्यूटर साइंस के फैकल्टी के साथ, एंड लॉट ऑफ पीपल हैव पब्लिश्ड पेपर्स. आप चेकआउट कर सकते हो research.bits, ऐसे research.bits.co करके एक वेबसाइट है where you can find all the research papers published by professors. तो it's really great to see research coming up. Also एक ये है, बहुत सारे labs है, like one of the labs has been sponsored by Melinda Gates Foundation. तो वो है, and there's something called BIRAC Bionest. तो ये एक बायोटेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर है जहाँ पे इफ यू आर वर्किंग ऑन सम बायोटेक प्रोजेक्ट यू गेट फंडिंग, यू गेट अ वर्क स्पेस, यू गेट ऑल द इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड. तो लैब्स में भी बहुत सारे एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स है, जैसे 2 crore, 1 crore के वर्थ के इक्विपमेंट्स भी रखे हुए हैं लैब्स में, विच यू कैन गो एंड एक्सेस इफ यू हैव द परमिशन टू डू सो. तो बहुत सारे चीज़ें हैं, और there are 3D printers, sandbox करके एक जगह है where you can find 3D printers, you know, all the equipments required to create physical projects. तो जो robotics के clubs वगैरह है वो ये सारी चीज़ें use करते हैं. So you can use these facilities and max it out. Fourth year you can go for a thesis abroad. तो abroad जाके किसी दूसरी university में भी आप research कर सकते हो. बहुत सारे लोग NUS जाते हैं सिंगापुर. तो यार कोडिंग कल्चर की अगर मैं आपको एक बात बताऊं, सो देर इज वन थिंग कॉल्ड GSOC विच इज गूगल समर ऑफ कोड विच इज अ कॉम्पिटिशन कंडक्टेड वर्ल्ड वाइड.
तो अगर आप उसमें इंडिया की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग देखोगे सो यू वुड सी दैट बट पिलानी कैंपस हैज ऑलवेज बीन देयर इन द टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री अलॉन्ग विद अदर IITs एंड IIIT हैदराबाद. तो यार इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यू कैन से इट अगेन जस्टिफाइज और पोर्ट्रेस कि यार जो कोडिंग कल्चर है वो कितना स्ट्रांग है और जो बच्चों का स्किल सेट है वो कितना एक्सट्रीम लेवल पे है. अगर मैं आपको क्लब्स वगैरह की बात बताऊं सो देयर आर टू हाईली डेडिकेटेड क्लब्स फॉर कोडिंग कल्चर एट बिट्स. वन इज बिट्स ACM एंड अदर इज कोडिंग क्लब. और जो जो भी चीज़ें आप इमेजिन कर सकते हो वॉट एवर यू लव डूइंग और वॉट एवर यू आर गोइंग टू परस्यू यू आर थिंकिंग टू परस्यू एट बिट्स आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी. बी इट वेब डेवलपमेंट उसमें आपका फ्रंट एंड आ गया उसमें आपका बैक एंड आ गया उसके अलावा एंड्रॉयड डेवलपमेंट है उसके अलावा अगर आपको कुछ भी करना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है आपको डेटा साइंस इंजीनियरिंग करनी है आपको डेटा माइनिंग करनी है ML करना है AI करना है आपको हर चीज़ मिलेगी आपको अपॉर्चुनिटीज सारी प्रोवाइड होंगी. देर आर अ लॉट ऑफ कोर्सेज प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ माई सीनियर्स हु इज जस्ट 1 year सीनियर टू मी यानी अभी वो 3rd year में है एंड करेंटली ही इज टेकिंग अ कोर्स ऑफ ML एट बिट्स पिलानी. मतलब आप सोच सकते हो उनके कोर्स में उनके सीनियर भी पढ़ने आते हैं MTech वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ने आते हैं एंड ही इज जस्ट इन हिज 3rd year एंड ही इज टेकिंग अ कोर्स इन ML एंड दैट हैज बीन पॉसिबल जस्ट बिकॉज कि वो जो क्लब्स में थे वो क्लब्स में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे और ऐसा उनको एनवायरमेंट मिला जिसके कारण वो ये सारी चीज़ें सीख पाए. सो बेसिकली जो एनवायरमेंट है जो एक आपको बॉन्डिंग मिलेगी अमंग द मेंबर्स ऑफ द क्लब जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी फैसिलिटीज मिलेंगी डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें टीम्स जाती हैं नॉट ओनली नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन बट ऑल्सो इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन. ओके सो कोडिंग कल्चर इज क्वाइट अमेजिंग एट पिलानी कैंपस एंड ऑलमोस्ट everyone इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प इन एनी स्टार्टअप और एनी प्रोजेक्ट और एनीथिंग रिलेटेड टू कोडिंग. कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आपने किसी से कोडिंग के लिए पूछा और वो मना कर दे. ऑलमोस्ट everyone इज सो वेरी पैशनेट सो वेरी fascinated towards coding कि आपको काफी अच्छा environment मिलेगा grow करने के लिए. Coding culture is pretty widespread. जैसे हमारे first semester में ये एक computer programming का एक course था तो everyone had to do it. तो सबको programming obviously आती है but some of them you know few of them just go and specialize in it. मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे corridor में who are specializing in some or the other field in machine learning. तो ये लोग like they work with their peers, they work with professors, they take a lot of online courses और specialize करते हैं किसी ना किसी field में. There are two clubs for computer programming. The first one is called Development Society. तो अगर आपको website development या फिर web apps या फिर mobile applications create करना है तो आप ये club को join कर सकते हो where you'll have multiple other students wanting to do the same thing. तो वो भी सीख रहे हैं आपके साथ. And when you are with people who you know have a common objective, जैसे अगर सबको app development सीखना है और उनके साथ आप hang out कर रहे हो तो obviously you will benefit from it और आप भी उनसे बहुत कुछ सीखोगे. Oh, and there's a second club which stands for SADL, which is called SADL. It stands for Society of Artificial Intelligence and Deep Learning. तो वहाँ के भी बच्चे जो है वो बहुत next level बच्चे हैं. कुछ लोगों ने मतलब Harvard में internship किया है वो type के बच्चे हैं. And like over there you learn really advanced concepts like reinforcement learning. Reinforcement learning ये रहता है जिसमें machine खुद से सीखता है. तो वो भी ऐसे crazy चीज़ें हैं. और बहुत सारे image recognition, साउंड ऑडियो रिकग्निशन वाले बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं बच्चे. तो बी इन्वॉल्व्ड इन इट. आई वुड से लाइक 30% ऑफ द कॉलेज और 40% ऑफ द कॉलेज इज इन्वॉल्व्ड इन दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट. अगर यार अब मैं आपको प्लेसमेंट्स के बारे में बताऊं तो प्लेसमेंट्स में बेसिकली देखो पिलानी कैंपस हो चाहे गोवा कैंपस हो चाहे हैदराबाद कैंपस हो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता. जो कंपनीज हैं मेन जो मेजर कंपनीज आती हैं चाहे वो अमेजोन हो माइक्रोसॉफ्ट हो गूगल हो डीशो हो जो भी बिग कंपनीज हैं जो बिग नेम्स हैं वो सारी कंपनीज विजिट करती हैं. बट अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें तो देर इज स्लाइट डिफरेंस वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन ऑल द 3 कैंपसेस. फॉर एग्जांपल हमारा पिलानी कैंपस में जो 2019 का डेटा है उस हिसाब से द एवरेज पैकेज फॉर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट वॉज अराउंड 26-27 लैक्स पर एनम. दैट वॉज एवरेज पैकेज. गोवा का भी आई थिंक ज़्यादा कम नहीं होगा मे बी 2-3 लैक्स का डिफरेंस आया. ठीक है तो पैकेजेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. कंपनीज भी ऑलमोस्ट सेम ही आती हैं सो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. बस थोड़ा थोड़ा जो एज है जैसे गोवा कैंपस को हैदराबाद से थोड़ी एज मिलेगी वैसे पिलानी को गोवा से थोड़ा एज मिलेगा. ठीक है एंड बहुत बार ऐसा होता है कि गोवा है या फिर हैदराबाद है तो वहाँ से हाईएस्ट पैकेजेस जा रहे हैं पिलानी कैंपस से भी जाते रहते हैं. और अगर आप तीनों कैंपस की बात करो तो अगर मैं तीनों को इंक्लूड कर लूँ तो हाईएस्ट पैकेज जो है जनरली इंटरनेशनल रहते हैं वो 1 crore+ तो चले जाते हैं. हर साल 3-4 लोग ऐसे होते हैं जिनका इंटरनेशनल पैकेज
लगता है 1 crore से ज्यादा का. लाइक 2-3 years बैक गोवा में लगा था एंड लास्ट ईयर हमारे पिलानी में 3 students गॉट अ पैकेज ऑफ मोर देन 90 lakhs आई गेस इन USA और इन यूरोप. तो प्लेसमेंट्स के मामले में काफी अच्छा है एंड देर इज ओनली स्लाइट डिफरेंस बिटवीन ऑल द 3 campuses. As I said before, the placements of all 3 campuses are almost the same, but Pilani ka slightly higher hai as compared to Goa, or Goa ka slightly higher hai as compared to Hyderabad. So slightly, by slightly I mean on an average a lakh or two maybe. And this is the stats that I have. Obviously, it depends on the student at the end of the day. Like in the past, we have had students of BITSCOA bag, packages. I mean CTCs of more than 1.5 crores. But it, at the end of the day, it just depends on the student ki aap kaise prepare kar rahe ho. But on an average, I think Pilani supersedes BITSCOA slightly in terms of placements. It all depends on your resume. तो आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो दैट्स द प्लेसमेंट डेटा ऑफ BITSCOA. एवरेज ऑफ CS इज अराउंड 22 lakhs. तो इसी के साथ यार वीडियो को एंड करते हैं. आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी. पसंद आई तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके बताओ कि आपको इन 4 points में जो हमने डिस्कस करे सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा एंड व्हाट इज दैट थिंग व्हिच फैसिनेट्स यू द मोस्ट अबाउट बिट्स प्लान. ठीक है, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दो एंड हरीश का चैनल भी सब्सक्राइब कर दो. ही ऑल्सो पुट्स इन अ वेरी वेरी हाई अमाउंट ऑफ एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क ऑन दिस चैनल. आई सॉ दैट अ लॉट ऑफ यू डू वॉच माय वीडियोस बट डोंट सब्सक्राइब. क्यों गाइस, मतलब कर दो सब्सक्राइब, इट जस्ट टेक्स अ क्लिक ऑफ अ बटन और कुछ नहीं है. इफ यू डू सब्सक्राइब देन आई विल गिव अवे अ लॉट ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन. सी यू एंड टेक केयर ड्यूरिंग दीस टफ टाइम्स. तो दोनों का चैनल सब्सक्राइब करिए एंड स्टे ट्यून टू सक्सेस इन्फिनिटी. स्टे होम, स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग एंड जय हिंद, वंदे मातरम.